संजय जी, हमें ये मालूम पड़ा कि आपके परिवार में से किसी सदस्य को कोविड के अंदर कुछ समस्या रही, उस विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे और हम जानना भी चाहते हैं। मेरी 30 तारीख को मेरी चाची हैं राधा किरण देवी, जिनकी उम्र है 72 ईयर्स, उनकी तबीयत खराब हो गई तो मैंने उन्हें नेती हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वहां जाके पता लगा कि उनकी तबीयत सही है। उनका कोविड टेस्ट किया गया, कोविड टेस्ट में वो पॉजिटिव आई तो मेरे पास में डॉक्टर वहां से नेती से फोन आया कि अब क्या करना है। कौन से नई थी? नई थी नदी मथुरा से आया था। फिर हमें डिसाइड करना था कि हम केडी मेडिकल में उन्हें एडमिट कराएं या नेती आगरा रेफर करें, तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल का समय था क्योंकि फर्स्ट पेशेंट था हमारे यहाँ कोविड पॉजिटिव। फिर हम लोगों ने फैमिली मेंबर्स थी चूंकि, तो हमने कहा कि चलिए हम नेती आगरा ही उनको रेफर करते हैं, तो उन्हें नेती आगरा शिफ्ट कर दिया गया। वो असल में अकेली लेडी थी, बिल्कुल अकेली 72 ईयर्स की, उनको आगरा नेती में घबरा रही थी वो कि मैं अकेली रहूंगी, कैसे होगा, खाना कैसा आएगा, कपड़े कैसे होंगे। तो मैं रेगुलर उनसे फोन पे टच पे रही तो उन्होंने कहा कि एक नर्स जो है मेरे रूम के बाहर ही रहती थी और पूरे टाइम वो गर्म पानी, आंटी आपको क्या चाहिए, मतलब उनकी नर्सिंग अच्छा, चूंकि उनके परिवार में और भी कई सारे लोग थे और वो केडी मेडिकल में एडमिट थे तो मुझे सबकी रिपोर्टिंग मिलती रहती थी कि वहाँ क्या फैसिलिटीज हैं और नेती आगरा में क्या हो रहा है। तो उन्होंने जिस दिन वो डिस्चार्ज हुई, 5 तारीख को डिस्चार्ज हुई, तो 10 तारीख के आसपास, तो उन्होंने अपनी फैमिली के जो 8-6 लोग थे तो उन्होंने सबको नेती ही बुला लिया। उन्होंने बोला कि केडी में इतना बढ़िया अनुभव था उनका, चाची का, मेरी का, कि खाने को इतना अच्छा मिला, उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। आप सोचो 72 ईयर्स की लेडी के लिए किसी और की जरूरत ना हो, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? आप बताओ इससे बढ़िया सर्विस क्या मिल सकती है? चलिए संजय जी, बहुत धन्यवाद। परिवार नेती आगरा को, नेती मथुरा को धन्यवाद देते हैं, दिल से थैंक्स देते हैं कि उन्होंने इतनी बढ़िया सेवा की है, करते हैं और कीप इट अप, इतना अच्छा काम किया उन्होंने, हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।